फ्रेंड्स सभी, मैं पटना स्टेशन पहुंच गया हूँ और ये पटना स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। ये देखिए, अभी हम अपने कार पे बैठ गए हैं और ये पीछे देखिए पटना स्टेशन का और ये है पटना स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर, जो बहुत ही फेमस है अपने पटना शहर में। बिल्कुल स्टेशन के सामने है, बहुत ही खूबसूरत है मंदिर। और ये देखिए, एक ट्रेन का सीन है यहाँ बना हुआ मंदिर के सामने। और हम अभी जा रहे हैं अपने घर पे, यहाँ 5 घंटे का रास्ता है और हम जमालपुर जा रहे हैं। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पटना जंक्शन और बहुत ही अच्छी कलाकारी किया हुआ, बहुत ही हाईटेक बनाया गया है पटना स्टेशन को। और ये इंजन का मॉडल यहाँ पे तैयार करके रखा गया है। और हम अभी अभी 11 बज चुके हैं, हम उतरे हैं पटना स्टेशन में और ये हनुमान मंदिर है। और अभी यहाँ दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। और बाहर देखिए, बहुत ही भीड़ है, पटना मार्केट खुल चुका है। और ये है अपना पटना मार्केट, हनुमान मंदिर के सामने का नज़ारा। देखिए हमारा ये पटना कैसा है, बहुत ही मुस्तैद हमारे पुलिस वाले। और यहाँ का ट्रैफिक देखिए, और ये रास्ता बता रहा है आपको कौन से दिशा में जा रहे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये अभी स्टेशन के पास का ही सीन है। और ये मेरी बेटी बहुत ही इन्जॉय कर रही है क्योंकि ये घर जा रही है अपने गांव। और ये देखिए, आगे हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं जिनका मैं परिचय स्टार्टिंग में करवाया था। और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और आपको मैं दिखाता हूँ, यह बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं, जैसे पानी पूरी और छोले भटूरे, सब दुकान खुल चुके हैं स्ट्रीट फूड के। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख करके, बिल्कुल पहले पुराना माहौल लग रहा है। ये देखिए हमारा फेमस लिट्टी चोखा। हाँ भाई, ये पटना का अपना जो है लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पटना आइए तो लिट्टी चोखा ज़रूर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है यहाँ का लिट्टी चोखा। और हर जगह देखिए मिल रहा है लिट्टी चोखा, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है पटना आकर के। लग रहा है ये लॉकडाउन का पहले का माहौल जैसा। अभी में हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं और हाईवे पे आ गए हैं और मेरी बेटी बहुत ही खुश हो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ से 4 घंटा लगने वाला है, तो चलिए ये पटना से जमालपुर। तो ये देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं, ये राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे हैं पटना से। ये आगे है एक स्टेशन, तो अभी हम वहां तक अपने कार से आ गए हैं, राजेंद्र नगर टर्मिनल। और यहां से आगे बढ़ रहे हैं, अभी टोल नाका पटना का पार किए हैं। और ये देखिए आगे, देखो भाग। और ये पटना का टोल नाका है, यहाँ 120 रुपया टोल नाका दे करके अभी हम पटना से आगे निकल रहे हैं, पटना क्रॉस कर रहे हैं। हाँ जल्दी खाना खा ले फटाफट। देखिए इसका आवाज़ नहीं आता है, ये बहुत धीमा बोलती है और मैं बहुत तेज़ से बोलता हूँ। अभी पटना से हम आगे बढ़े हैं और 1 घंटा का सफ़र तय किए करके अभी एक ढाबे पे हम लोग रुके हैं। इस ढाबे का नाम है गांधी होटल, तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे अभी बैठ करके। अभी पटना से निकलने वाले हैं जमालपुर के लिए, तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। देख लीजिए, ये दोनों ठूसे जा रही है, रुकी नहीं रही है। और ये तो कुछ ज़्यादा ही,
ये देखिए साथ में ये ले लिया है। कैसा लग रहा है खाना? टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश। पनीर कढ़ाई और चपाती, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा मैडम? देखिए इसका लेट टिप पकड़ा यार। आप चल रहे हैं यार? तो फ्रेंड्स मेरा खाना खाने हो गया सब लोग का, तो अभी मुझे खाने में कहते हैं फिर जमालपुर जाएंगे। चल बैठ। तो फ्रेंड्स हमारा खाना खा के हो गया है। इस ढाबे में हम खाना खा रहे थे और पनीर कढ़ाई बहुत ही लाजवाब था, मज़ा आ गया। वापस हम फिर आएंगे कभी। तो अभी पटना से 1 घंटा हो गया सफ़र हमारा और 3 घंटे का और बचा हुआ सफ़र, तो हम तय करेंगे अब अपनी इस गाड़ी में। तो चलिए आगे फिर हम बताते हैं, आगे जमालपुर पहुँचते आपको कुछ और सीन दिखाता हूँ। सब्बाड़ी डिब्बा कारखाना हरनौत का ये कारखाना है, देखिए क्या लाजवाब, ये हरनौत का पूरा कारखाना है भाई। ये है देखिए प्रवेश द्वार और यहाँ तक बाउंड्री गया है हरनौत कारखाना का। ये प्लास्टिक बाउंड्री आपको दिख रहा है, देखिए मैं क्रूर सिंह जैसे हो गया हूँ क्योंकि बहुत ही बाल हवा में उड़ रहा है, तो थोड़ा हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया है। मेरे काली साइकिल पे मत जाइए, मैं बहुत गोरा हूँ। ये काली है क्योंकि इसने पाउडर लगाया है। मैंने अभी लगाया मोबाइल और कान में करता होगा। और ये देखिए इसी का नाम चिंटू, जो कैमरा मैन है, मैंने आपको बताया था यूट्यूब का मेरा कैमरा मैन है, तो मैं इसके पास आया हूँ अब यहाँ से हमारा वीडियो ये सब बनाया। देखिए कितना भाग गए हैं। अभी हम लखीसराय का टोल नाका आ गए हैं। अब यहाँ लखीसराय से सिर्फ 1/2 घंटे का सफर है। फास्ट चलाएंगे तो 1/2 घंटे में नहीं तो 1 घंटे लगेंगे। और ये टोल नाका का ये बोर्ड है और ये लखीसराय इंटर करेंगे हम। फ्रेंड अभी पटना से 3 घंटा आगे चलने के बाद ये लखीसराय आया है। 3 घंटे के बाद लखीसराय का टोल नाका था। मार्केट है खतरनाक, देख मार्केट ये सब है, सब दुकान लगा हुआ है। अभी ये देखिए ईंट का भट्टी है, ये जो लंबी लंबी चिमनी देख रहे हैं इसमें ईंट तैयार होता है। ये बाहर में ईंट रखा हुआ भी है और बहुत ही मजबूत रहते हैं। और ये देखिए मार्केट लखीसराय के आगे का। अभी यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है हमारा गांव जमालपुर, और यहाँ के मार्केट देखिए पानी पूरी और बहुत सारा आइटम इधर मिल रहा है खाने को, और मार्केट में बहुत सारे रौनक है। और चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड अब हम घर पर पहुंच गए, ये देखिए सामने मेरा घर दिखने वाला है, तो देखते रहिए। अब ये हमारे घर के सामने रेलवे क्वार्टर है, रेलवे कॉलोनी के सामने में हमारा घर है। और ये देखिए अभी हमारा सामने घर दिख रहा है सीधे। हाँ ये देखिए सीधे, अब देखिए घर के पास पहुँच, ये मंदिर है हमारे घर के सामने। और ये घर हमारा आ गया है सामने, और हमारी मम्मी छत पे खड़ी है। अभी हम घर आ गए, हाथ मुँह धो लिए हैं, अब नहाने वाले हैं और बाद में बात करते हैं आपसे। और साई पटेल ने हाथ पैर धो लिया है, ये है साई पटेल। और हम घर आकर के और सारा बैग इधर रख, अभी हाथ पैर धो रहे हैं, नहाएंगे, सैनिटाइजर कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं, फिर आगे और हम ऊपर जाएंगे सैनिटाइजर करके। अब फिर हम ऊपर जाएंगे। आ चुके हैं तो अभी ना मतलब हम अपने दादी घर पे आ गए हैं, तो अभी हम थोड़ा लेटेंगे, खाना खाएंगे। अभी हम इनके दादी घर और मैं अपने मम्मी के घर आ गया हूँ जमालपुर अपने गाँव। तो मैंने पटना से जमालपुर का आपको वीडियो दिखाया,
आपको कैसा लगा बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और बाकी हम आपको और जमालपुर का बहुत सारा मतलब यहाँ का लोकेशन दिखाने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय एंड गुड, सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और आगे भी हम अपने फैमिली मेंबर और अपने घर का सब वीडियो दिखाने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और हमारे भेगने भी आए हैं, तो उनसे भी मैं मिलवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अपने, और अपना घर भी दिखाने वाला हूँ और हमारे शहर का लोकेशन भी। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और कमेंट करिए और